एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुच्ची शख्सियत दे मालिक श्री जशपाल महाजन पिछले दिने अपने स्वासां दी पूंछी नू खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच श्रीमती सुभाष महाजन, पुनीत महाजन, पंकज महाजन, मुक्ता महाजन, प्रियंका महाजन, नीलम महाजन, वरिंदर महाजन, पूनम, विजय महाजन, ममता, अजय महाजन, शमा, सुरिंदर महाजन अते उना दे समूह परिवार वालों कम्युनिटी हाल खजूरी गेट बटाला विखे करवाया गया। श्री जशपाल महाजन जी एक उगे समाज सेवी अते एक नेक दिल इंसान सन। आप जी पंजाब नेशनल बैंक विचों ऑपरेशनल हेड दी पोस्ट तो सन 2012 विच रिटायर हुए। रिटायर होने उपरांत आप जी पूरी तरह समाजिक कामा विच जुट गए। आप जी साईं बाबा दे बहुत ज्यादा अनुयायी सन अते साईं बाबा दे भगत सन। आप जी ने साईं सहारा डेंटल क्लीनिंग सिटी रोड अते साईं क्योर क्लीनिंग अचली गेट दी स्थापना की थी अते इस क्लीनिंग दी पर्ची सिर्फ 5 रुपए रखी गई। आप जी अपने 6 भरावां विचों सब तो वड्डे सन अते हमेशा ही अपने भरावां नूं नाल लेके चलन वाले इंसान सन। आप जी दी जिंदगी विच सिर्फ 2 ही सुपने सन। पहला ए कि एहो जिहा स्कूल खोलना जिस विचों बच्चे हर तरह दे कंपटीशन लड़न लई तैयार हो सकन, जो उन्होंने पाइन स्कूल दे नाम ते शुरू कीता, जो कोरोना होने कारण मौजूदा समय विच ऑनलाइन स्टडी ही करवा रहा है। अते दूसरा सुपना सी कि बटाला विच एमरजेंसी सुविधावां वाला हस्पताल खोलना जिस नूं हुण उन्होंने बेटे पुनीत महाजन अते पंकज महाजन पूरा करन दा प्रण लै चुके हन। श्री जशपाल महाजन जी गरीबां अते दीन दुखियां दे मसीहा सन अते हमेशा ही हर एक दी मदद तनो मनो अते तनो करया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली दे मालिक सन अते अपनी मिठी बोली नाल हर एक नु अपनी तरफ खिंचन दी शक्ति आप जी विच मौजूद सी। श्री जशपाल महाजन जी हुणा ने जिन्नी भी उम्र इस दुनिया ते बसर कीती समाज दे लेखे लाई। I'm
Hey, hey, hey.
का ध्यान, ये सत्य को जानने के लिए। और यही सत्य हमें से बहुत से लोगों का जीवन इस गैदरिंग के बाद बदल जाता है। श्री यशपाल जी महाजन बचपन से ही मेरे मित्र रहे हैं, हम प्राइमरी में इकट्ठे पढ़े हैं, कॉलेज अवस्था में मैं टेक्निकल लाइन में चला गया, वो कॉमर्स में चले गए, वो नरेंद्र की पोस्ट तक पहुँचे, मैं एसक्यू की पोस्ट तक पहुँचा, लेकिन हम हमारा जो संबंध था दोनों का वो एक आध्यात्मिक संबंध था, स्पिरिचुअल। हमारी दोनों की बातचीत ज़्यादातर स्पिरिचुअल विषय के ऊपर होती है। किसी कवि का जो वचन है समय याद आता है, नाम जो स्टेज से चले गए हैं, जहाँ से नाम कोई चिट्ठी आती है ना कोई संदेश है, जाने वो कौन सा देश है जहाँ तुम चले गए। मैंने अपने इस मित्र से बहुत कुछ सीखा था, समर्पण का भाव, जो भी काम करना है वो पूरे समर्पण से करना है। बहुत ही निस्वार्थ भाव से काम करने वाले व्यक्ति, निष्काम भाव से सेवा करने वाले व्यक्ति, ऐसा उनका व्यक्ति करता। चार महीने जो उनके सारे जीवन को प्रदर्शन कर देती है, परिवार उनका मंदिर था, परिवार उनका मंदिर था, और अकेला वही परिवार नहीं, उनका परिवार बहुत बड़ा परिवार, जिसमें अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपने सारे रिश्तेदार और फिर अपने सारे दोस्त पड़ोसी, ये उनका इतना बड़ा परिवार जिनके बारे में उनका समर्थन है। स्नेह प्रेम उनकी शक्ति थी। मैंने बहुत बार उनके परिवार में जाता था तो बहुत प्रेम के साथ वो सारा परिवार है। और भगवान कहते हैं कि जहाँ प्रेम होता है वही शांति होती है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ ही शांति होती है, जहाँ शांति होती है वहाँ पे आनंद होता है, जहाँ पे आनंद होता है वहाँ पे भगवान आते हैं, और जहाँ पे भगवान आते हैं वहाँ पे कृपा होती है। इसीलिए आपने देखा उनके जीवन में भगवान की बहुत कृपा, परिश्रम उसका कर्तव्य था। मैंने उनको जिंदगी में बहुत परिश्रम करके देखा, कभी आलस नहीं देखा। और परमार्थ परमार्थ उनकी व्यक्ति, जितना भी काम उन्होंने समाज में किया उन्होंने निष्काम भाव से सेवा की। मुझे फोन आता था, रात दिन मैंने भजन करवाना है, फलान सेवा मैंने करनी है, और जिस दिन ये शोक का संदेश आया कि वो हम आज उनसे बिछड़ गए, उसके चार दिन पहले उनका मेरे फोन आया। थोड़े दिन बीमार रहे थे, पता चला था पेट में कोई गड़बड़ है, तो बोले थे आज मैं फिट हूँ, ओके मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आपसे मिलना है, उनका जब मर्जी आ जाए कोई बात नहीं है। तो जिस दिन उनकी ये मुझे मालूम पड़ा रास्ते में अर्ली मॉर्निंग कि क्या आपने सुना ना किसी दोस्त ने कहा, मैंने कहा ऐसे किसी जगह से हमारी जरूरत है, तो मैं हैरान हो गया, मुझे चार दिन पहले कहते मैं ओके हूँ, बिल्कुल बहुत सस्ता लगा, बहुत दुख लगा, क्योंकि मेरे तो बचपन से मित्र
बात करनी है घर के बारे में, बच्चों की शादी के, पढ़ाई के बारे में, उन्हीं से मैं सलाह लेता हूँ। अगर मैं एक शहर से उनको अपने सजा के लिए करना चाहूँगा, किस तरह कह दे खुदा हाफिज तुम, किस तरह कह दे खुदा हाफिज तुमको, ये दिल दिल है कोई पत्थर तो नहीं, तुम जो बरसों से साथ में निभाते आए, किस तरह दे दे इस दिल से उनको जुदा, उनको सजा भी अर्पण करना, अभी मेरी तांगे काम है। मेरे साथ ही नहीं, सभी जितने भी समाज में उनके सहयोगी थे, उनके साथ काम करने वाले थे, सभी उनकी बहुत तारीफ करते थे। एक और रिश्ता उनके साथ मेरा था, वो था भी उनकी धर्मपत्नी भी जम्मू कश्मीर से है, मेरी धर्मपत्नी भी जम्मू कश्मीर, वो भी दोनों उनका भी आपस में बहुत धर्मों का प्यार है। अपने बच्चों के साथ जो संस्कारों की शिक्षा उन्होंने उन बच्चों को दी, आज भी आपके सामने है, वो दोनों बच्चे बहुत संस्कारित हैं और उन्होंने एजुकेशन फील्ड में भी समाज की सेवा करने का प्रयत्न उठाया। ये जो संसार है ये नित्य नहीं, अनित्य है, ये प्रकृति का नियम है, सभी ने जाना है, यही अटल सच्चे है। इस दुख की घड़ी में हम सब उनके साथ हैं, उस गंग आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें और हमें अपने चरणों में स्थान दें और प्रभाव को, ये जो बहुत बड़ा सपना है, बहुत बड़ा दुख है, ना पूरा पूर्ण होने वाला कोई कष्ट है, वो उस प्रभाव को शक्ति और साहस दे। ओ शांति, मैं हमारे बटाला के बहुत ही अग्रणी समर्थ समाज सेवक मास्टर कुलदीप जी शर्मा जी से निवेदन करूँगा, अभिनंदन करूँगा, और कृपया दो मिनट परिवार को संतावना और श्रद्धांजलि अर्पण कर। उन्होंने बारे एस जो सामने बड़े ही विस्तार पूर्वक दुआ है, उन्होंने जीवन के बारे जानना पाया, वो आत्मा जो श्री यशपाल जी दे कलीवर दे विच इस शक्ति ने अपने अपने समय के अनुसार अपने कर्मों का भोग भोगते हुए उस परमात्मा के चरणों में लीन हो गए। उन्होंने बारे इन्होंने बहुत विस्तार से दस्या, चूंकि मेरे भी उन्होंने रिश्ता संबंध क्या वो मेरे को परिवार के ही मैंबर हाँ, जो मैं इन सालों के हर रोज उन्होंने जीवन के बारे देखिया पढ़िया विचरिया गल उ उस गल परचे प्यार मेरा अलग है, थोड़ा अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, गल एक चलनी पी है। तो यशपाल यश यश से यश है यश से अपना यश इस तरीके फैला के इस तरीके अलगा करके वो हमेशा हमेशा उस परमात्मा के चरणों में जाके लीन हो गए। क्या किसी जा सकता कि महाजन साहब जा रहे हैं तो आउन दे नहीं, ऐसी हमीद मैनू नहीं सी, मेरी आत्मा ये कहती सी कि यशपाल जी वापस आवे चल के आवे, पर परमात्मा को देते हो श्वास अन्न जल वायु जो कुछ भी है उसके बीच ना वादा हो सकता है ना काटा हो सकता है। और जिन्हें कि गुप्ता जी ने उन्होंने जीवन के बारे दसिया है, पंजाब नैशनल बैंक के उन्होंने जीवन जो है वक् वक् पड़ावों के उत्ते सरना समाज से शुरू होया।
और अंकलेज ऑपरेशन मैनेजर के रूप में उस पोस्ट तो रिटायर हुए, लेकिन जो लोगों ने उस समय मिलकर और अज सा कार्य करते हैं इस तरह अनुभव होता कि जो उन्होंने को तो काम हो जाता से और बड़े खड़े मजे के लिए हम आओ पहला परमा जी शर्मा जी बाजवा साहब आओ साहब आ काम पे लगा था। शायद जड़ा याचना है इसे चीज का नहीं याचना है कि अस अपने नाल कुछ ना कुछ लाके जाने हैं। तो अगर जब भक्ति वाले देखा जाए तो फिर भक्ति भी की है गोदीनंदन साहब क्या करेगा प्यार को ईमान को क्या करेगा प्यार को भगवान को जन्म लेकर को इंसान में क्या पाएगा प्यार को इंसान को। इंसान की बंदगी ही भगवान की बंदगी है, इंसानियत ही रूहानियत है। जो यशपाल जी ने अपने जीवन के बीच जो है वो बहुत ही सुचित्र कामना जी है की है दो कहा उन्होंने जान धोखा है सारे परिवार रिश्तेदारियां सबकियां पिता दोस्तों आप सब जो इतने आके इस दुख की करके शुमार आप सब उस दुखी है। सो जिते श्री यशपाल जी ने इस साल शिक्षा के खेत्र के उन्होंने डिफाइंड स्कूल जोड़ा है वो आरंभ करके एक गल करती कि आने वाले समय के ना उस कोटी की शिक्षा बयाली शिक्षा जी है वो जी है वो देने वास्ते समाज में एक सो उन्होंने दोनों बेटे पुनीत और पंकज जो मार्गदर्शी यशपाल जी ने दसिया है परिवार ने दसिया है उस हिसाब में चल के वो अपने परिवार चलते पे हैं। इस वक्त आए ने आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक से हासिल कर बंदे जा इस वक्त तो कोई आगे जा नहीं शाहशाह है बादशाह है इंडस्ट्रियलिस्ट है जमींदार है कुछ भी है ये तो जाना ही पैना है। आज चलेंगे कल चलेंगे पता नहीं मेरी मालूम में तो डिग्री पई है आज कोई जरूरी नहीं कि मैं शतान की दिल्ली है यशपाल जी को पता नहीं मेरी गुरु कदों वाली आ जाती है और कदों तो हम आगे बढ़ाना है ये उन्हें पता है ये मुझे पूर्णाश्र है वो तो कोई सब कुछ है। इस सदी की आगे ना कोई रहा है ना कोई रहा है ना कोई रहेगा ना कोई रहा है ना कोई रहेगा हर कोई अपने कर्मों को सहेगा सदा कौ जग में रहा आगे प्यारे बहुत को ऋषि बुनियों को भी आई और वो भी मारे मारे तो सबसे जो देख रहा है वो आना है आने बारे मरना है। अगर जे कोई किसी का लड़ फड़ दे प्रैक्टिकल मैं कहूँगा लाइफ शुड बी प्रैक्टिकल जे जीवन वखावे का जीवन कुलदीप शर्मा वखावे का चंगा नहीं होना चाहिए। अगर जो वास्तविक चंगा है उसी मैं चंगा कहोगे पर मैं एक बैठा अंदर नरंजन वाहेगुरु अल्लाह खुदा परमात्मा वो मैं झंझोड़ेगा कि तू चंगा नहीं तू आ माड़ा कीता है अल्लाह का बात है जाने वे एक बार ऐसा मरे फिर मरना ना हो उस आत्मा उस परमात्मा उस ईश्वर समर्पित होके इस समाज के वास्ते इस परिवार के वास्ते वक्त तो वक्त सेवा जो जगा सकी मैं समझना सच्चा सुचा जी मौत है सभी ये है। और आज एक दसता है पाया यशपाल का यश आप सब की हाजरी के कितने साढ़े इतने मेहरबान परिवार रिश्तेदार सज्जन मित्र साढ़े पॉलिटिशियन साढ़े अकाले साहब साढ़े बाकी भाटिया साहब और साढ़े गुरु होगी सारे साहब नाम लेना थोड़ा औखा है सारे ही सम्मानीय हो
सारा ही तोड़ना जरा है कौन अपना करो तबाह है और सारा सरकार करता हो गया। मैं आप सब के मन में उस परमात्मा करना जो प्रार्थना करांगा कि हे परमात्मा हे वाहेगुरु हे जिस साई राम मानते सन आप कृपा दया में बख्शिश रहम करो उन्होंने वो इस दही को शुभ के आते चढ़ना चाहिए या करो उन्होंने अपने चरणों की शांति दो और इन्होंने बच्चों इस परिवार को ये असापा मन की जो है वो शक्ति दो ओम शांति शांति शांति। श्री सत्य साई सेवा समिति बटाला श्री तृप्त रजिंदर सिंह जी बाजवा कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब डॉक्टर सतनाम सिंह जी नेचर डायरेक्टर वुड बलोजम एंड वुड स्टॉप स्कूल एंड चेयरमैन पुरानी कोट डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर खेल भारती पंजाब आर बाबा डी ए वी कॉलेज फॉर गर्ल्स प्रिंसिपल अजय शरी एच एम ई डी वी कॉलेज एच एम ई कॉलेज जलंधर सहारा क्लब विश्वास फाउंडेशन चैरिटेबल सोसाइटी इन सब ने हृदय से अपने श्रद्धा सुमन जो है हमें भेजे हैं लिखित रूप में। अब मैं प्रिंसिपल ए के वैद्य जी एक्स प्रिंसिपल डी ए वी कॉलेज फिलौर मौजूदा मैनेजर डी ए वी स्कूल कादिया श्री ए के वैद्य इस शोक सभा में सभी विराजमान बहनों और भाइयों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि जब जी जो इस संसार में आया है उसने जाना है सभी को पता है लेकिन जिस प्रकार से आप झंडा मार के छोड़कर चले गए हो ऐसे कोई नहीं जाता। इस बात का हम सबको दर्द है हमें अफसोस जी का संबंध मैं आई वाले प्रोफेसर अमृतसर ई वाले स्टूडेंट और मुझे ये गुरु जी कहकर पुकारते थे। थोड़े दिनों में वैक्सीनेशन लगवाने गए जिस जैक्स पहुंच है जैसे उनका स्वभाव था हर को अपना समझना दिल से बात करनी जो करनी क्योंकि उनको उनके मन में कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ करती थी और कोई भी बात वो डबल माइंडेड नहीं करते थे क्योंकि ही वाज सिंसियर फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट जो उन्होंने बात कहनी है वो कहनी है चाहे किसी भी अवस्था में करना हो वो बहुत हमसे आज भी मिसेज गए उनको बहुत याद करते थे आना था उन्होंने क्योंकि मिसेज बैग के साथ उनका संबंध जब पंकज और पुनी स्टूडेंट थे तब से थे उनको कदर करनी आती थी और करानी भी आती थी। जब भी किसी ने जाना पहले जाए फिर और सभी के दुखों में काम आने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने काम को एक कर्म के रूप में किया सारी उम्र सारी आयु जब भी देखा उन्होंने आज का सवाल ही पैदा नहीं होता था। He is always dynamic. He was as young like anything. और जो निकम्मा आदमी होता था उसको देखकर जोश आ जाता था कि अगर ये काम कर रहे हैं मैं नहीं करना था। वो मुझे हर घर की बातें बताया करते थे। इन वर्ड ही वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन। दूसरों की काम आना उनकी मोहब्बत थी उनके खून में रचा हुआ था कि मैं हर व्यक्ति के काम आऊं। वो गरीबों के मुसीहा भी थे बोलते कम थे कर्म उनके बहुत नेक थे। ऐसी शख्सियत के बारे जो कहा जाए वो कम है। He was a rare person among rarest. I can say with confidence. He was my very close friend. Since I appreciated his philosophy of life. उनका जो जीवन था वो अपने आप में एक हिस्ट्री थी। ये जो लोग उनको
श्रद्धांजलि अर्पण करने आए हैं मिस्टर गुड्डू सेठ, मेरा छोटा बेटा है, लोधी नंदा जी बैठे हैं, मास्टर कुलजीत जी बैठे हैं, एडवोकेट सुरेश जी बैठे हैं और शहर की जितनी शख्सियतें बैठी हैं, जिस बात का गवाह है कि ये ऐसा व्यक्ति था जो बटाले की एक गुम थी हमारे वॉज ए जेम ऑफ जेम्स विच इज नॉट पॉसिबल टू पर क्यों हम उनको वापस नहीं बुला सकते ऐसी अवस्था में, क्योंकि कल आए नानका सदे उठ जाए तो दिन नंगा जी कोई बस नहीं करता। मैं कितनी बार रोज चुका हूँ के लिए, क्योंकि आई अप्रिशिएट हिज फिलोसफी, हिज थॉट्स, हिज एक्शंस, हिज थिंकिंग, ही वॉज प्रैक्टिकल पर्सन विच इज वेरी रेयर टू बी इन दिस वर्ल्ड। अरे महाराज जी आप मानते उस बात का कि वॉज ए नाइस पर्सन, मिस्टर बेरी यहाँ बैठे हुए मैंने देखा उनको भाई ये फिटनेस टू इट। सो कोई शक की बात नहीं, मुद्दा सब टांगे कम रही है, मन श्रद्धा सुमन अर्पण करने के काबिल नहीं है, लेकिन सच्चाई को उससे मुक्त हो नहीं सकते। मैं डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर होने के नाते इस दिवंगत आत्मा को, इस कुबेरता आत्मा को अपने पूनम सूरी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से, मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, मैं गैलर स्कूल मॉडल जिस समय मैनेजर हूँ पतिया में, अपने प्रिंसिपल की तरफ से, स्टाफ की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से, वैद परिवार की तरफ से, मिसेस वैद की तरफ से स्पेशली मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूँ और परमात्मा को प्रार्थना करता हूँ जैसे ये सच्ची आत्मा थी इसको अपने चरणों में लाना और हमें जिस साल में छोड़ के गए हैं उसमें हमारा साथ देना। ओम शांति शांति। नमस्कार। बिना जब हम जब तुम्हारे घर में जब हम साथ रहे अब ऐसी करनी कर डले तुम हम सो जब आज श्री जसपाल जी जिन्हों का मेरे नाल बहुत गहरा संबंध सी उन्हां दी अंतम अरदास विच उन्हां दी अंतम दसमार विच आपां सारे बैठे हैं मन दे विच गिराया ईश्वर दे उत्ते कि अजे कोई इन्नी उन्हां दी उम्र नहीं सी कि वो साडे कोल विसर जांदे पर परमात्मा तेरे रंग ने तेरे इन्हें रंगा को असं जान नहीं सकते असं पढ़ नहीं सकते। मेरे तो पहला प्रिंसिपल वैद जी ताजे सामने दस रहे थे कि मैं प्रोफेसर सी वो मेरे स्टूडेंट शर्मा जी ताजे रूप में हो भी गए आत्मा की लाइफ बहुत छोटी है ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਸਤੀਆਂ ਅੱਛੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ।
वो बहुत वधिया इंसान सन। उन्हां दे दोनों बेटे प्रीत पंकज अजे थोड़ा महीना ही होया मेरा ख्याल है, मेरे को पंकज ते जसपाल जी पिंड गए उत्थे बैठे और बड़िया शानदार गवंदा सलावां उन्होंने दित्तियां। तो मैं अपने बेटे नाल गल कर रहा सी कि पुत्र कितनी वधिया विकास ते सजेशन सानू दे के गए सी, जिवें सारियां ही सजेशन जिहड़ियां ने साडे वास्ते सानू दस के मुका के गए कि जिवें उन्होंने रहना नहीं सी। पंकज की सोच प्रीत का विचार आप कल रख नहीं सकते, पर जो आप वेखिए जान वाले तो भी बहुत कुछ सीख सकते। हर इंसान अपन गरजा की तरह फिरता, जिस परिवार का जी जाता वो घाटे का अंदाजा नहीं लाया जा सकता, पर जिस समाज को एक चंगा इंसान जाता वो घाटे को भी पूरा नहीं किया जा सकता। बड़ी अच्छी सोच नेक सलाह देने वाले व्यक्ति निश्चय ही वो अपने इंटेलीजेंट बच्चों को पाल पोस के काबिल बना के समाज की सेवा के साथ दे के गए ने। उन्होंने मन में एक गल जरूर सी कि मैं बहुत संतुष्ट हाँ, मेरे बच्चे जड़े ने वो अपने आप को लै तुरे ने समाज में, उन्होंने अपनी रिस्पैक्ट बनाई है। माँ बाप की सब तो खुशी का समा वो होता जो वो बच्चे जोड़े ने अगे लै चलन, तो जदों ये दसा जाए कि जसपाल जी पंकज के डैडी ने प्रीत के डैडी ने, तो जिन्ना चर यह दसा जाए कि जसपाल के बेटे ने उन्होंने उन्होंने रुतबा थले उदास से जसपाल का उपर उदास, बड़िया जरूरी गल्लां ने। इस समय से आप कट्ठे होंगे हाँ, पर आप मानसिक तौर पर कट्ठे नहीं होंगे, असी फॉरमैलिटी के तौर पर कट्ठे होंगे हाँ, पर जिवें वैद जी दस के गए जी शर्मा जी दस के गए हैं, इस वक्त को हर वे याद रखना सब तो जरूरी है। जे तुसी मौत वाले वक्त को याद रखोगे तनु ईश्वर हर वे याद आऊगा, तनु ईश्वर हर वे याद आऊगा, तुसी नेकी करोगे, तुसी सच ते चलोगे, जदों तुसी सच ते चलोगे फिर वो परमात्मा का ईश्वर का रस्ता है, फिर तुहाडे मन च कॉन्फिडेंस इन्ना तगड़ा होगा तुहानू घबराहट नहीं होगी। सच ही परमात्मा है, ते परमात्मा ही सच है। बड़ी तरक्की की इंसान बहुत तरक्या करके किसी भी किसी पहुंच गया, आप सार तो कुदरत का करिश्मा वेख वेख के किन्ने परेशान। अज इस हालात में आप कट्ठे हुए बैठे हाँ, पिछले कुछ ऐसे समय आए आप अंतम समय भी कठे होने तो डर लग गए, मौत का प्रकोप इन्ना बढ़ गया, बीमारी ने इन्ना जोर फड़ लिया कि अपने भी अपन के अंतम रसम के उत्ते नहीं जा सकते। इस गल को गंभीरता ना सोचने की लड़ है कि अपना कौन है, अपना इतने कोई नहीं, साड़ी अंतर आत्मा जी वो साड़ी है। आप संसार काम करते हैं, शरीरिक काम करते हैं, पर अपनी जी अंदर आत्मा है वो आप करते हैं, तो जब असी ठीक काम नहीं करते फिर सभी अंतर आत्मा के उत्ते बहुत बड़ा बोझ बढ़ता है, तो जब असी ठीक काम करते हैं फिर सभी अंतर आत्मा जी सुखी रही है, वो हौली रही है, वो खौफ नहीं होगा। इन्होंने गलों का ज्ञान सब चंगा इंसानों के को मिलता
विद्वाना दे को मिलता बड़े ग्रंथा दे को मिलता कि एक की जा इस रूप ग्रहण करने वास्ते आपा मौत को याद रखिए फिर परमात्मा याद करो फिर आपा ठंडे चंगे राह निकलेंगे अपना फर्दिया अपना समाज उस विच वसदे आ जिथे आपा एक दूसरे दे दुख सुख दे भाईवाल कुछ ऐसा जगह भी संसार से है जिसे कोई दो सौ के शामिल नहीं होगा आप हौसला देने वास्ते आए हैं कि असी जान वाली आत्मा को जान वाले व्यक्ति को नहीं जा सकते पर जो संसार के परिवार का घाटा पिया है उस घाटे को असी कंपनसेट करने वास्ते परिवार को वो तो वो सहयोग दीए इस हालात के बारे मानसिक तौर पर मजबूत करिए कि एक के नाल ही सारे का वक्त नहीं आ ते जेड़ा इंसान अपनी लाज खुश रहिए संसार तो ज्यादा फिर वह सुरखुरु संसार तो ज्यादा उन्हों का जीवन दरवेशा वाला सी वह दरवेशा वाली जिंदगी जी के गए ने मैं बहुत लगाव से और जिंदगी जी मैं बहुत हाजिर होवांगा भावना पैदा करो भाईचार एकता जी मजबूत करो समाज ज चंगा जीवन जीन वास्ते जिला जो आपसी ज्यादा वेगता से ज्यादा प्यार ना बने उन्होंने फिर उस समाज के कड़कर बढ़िया ने कड़कर छड़ के अपने आप को ईश्वर के नेड़े लाने वास्ते इंसान प्यार करोगे तो ईश्वर अपने आप ही तुम्हें प्यार करेगा और मैं विश्वास है कि श्री जसपाल जी की आत्मा निश्चय ही ईश्वर ने अपने चरणों में सदान दिता होगा और वो बख्शिश करेंगे ईश्वर जी सारे हौसला देंगे कि इस घाटे को जन वास्ते सानू मानसिक शक्ति मिले परिवार के उत्ते निर्भरिया हाथ से परमात्मा इन्हों लफ्सों के नाल मैं अपने वालों अपने सारे परिवार वालों श्रोमणी अकाली दल वालों दिली तौर पर श्री जसपाल जी को ਇਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੜਕੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਪਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਫੁੱਲ ਰਹਿਣਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਗਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ प्रसाद ग्रहण करके सभी लोग जाएंगे कोई भी प्रसाद ग्रहण बिना नहीं जाएगा और एक बात इस शताब्दी समारोह में सबसे जो लोग मरे हमारे साहब ने कहा है अगर आपके पास कोई पावर आ जाती है भगवान देता है अपने कर्मों के हिसाब से तो सभी के साथ एक जैसा बर्ताव करो सभी का काम करो बेशक आपकी पार्टी का कोई है बेशक कोई नहीं है सभी की गलियां बनाओ सभी के घर में पानी और सीधे सही।